आपकी इंग्लिश मेरे मन के मुताबिक नहीं है। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना होता है जहां कहते हैं कोई काम मन के हिसाब से है या मन के मुताबिक है, या कोई काम मन के मुताबिक नहीं है या मन के हिसाब से नहीं है। जैसे आपकी तरक्की मन के मुताबिक है, आपकी इंग्लिश मन के मुताबिक है, आपका काम मन के मुताबिक है। कई बार इस सेंटेंस को लोग ऐसे भी कहते हैं, आपका काम संतोषजनक है। तो चाहे आप कहें संतोषजनक है या मन के मुताबिक है, को बोलने के लिए आप अप टू द मार्क का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में बेहतर तरीके से समझें। अगर आपको कहना हो कि आपकी इंग्लिश मन के मुताबिक है या संतोषजनक है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर इंग्लिश इज अप टू द मार्क, यानी योर इंग्लिश इज सैटिस्फैक्टरी, आपकी इंग्लिश संतोषजनक है, आपका काम मन के मुताबिक है या संतोषजनक है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर वर्क इज अप टू द मार्क। आप चाहें तो इस सेंटेंस की जगह पर यह भी कह सकते हैं योर वर्क इज सैटिस्फैक्टरी, मेरा बिजनेस मन के मुताबिक नहीं है यानी संतोषजनक नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे माय बिजनेस इज नॉट अप टू द मार्क, यानी मेरा बिजनेस सैटिस्फैक्टरी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। उसकी इंग्लिश मन के मुताबिक नहीं है या संतोषजनक नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज इंग्लिश इज नॉट अप टू द मार्क, या अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं हिज इंग्लिश इज नॉट सैटिस्फैक्टरी, आपका विकास संतोषजनक नहीं है या मन के मुताबिक नहीं है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर ग्रोथ इज नॉट अप टू द मार्क, या योर ग्रोथ इज नॉट सैटिस्फैक्टरी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ कहें संतोषजनक या मन के मुताबिक, तो आप अप टू द मार्क का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? सिर्फ दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।